process of removal of toxic wastes. वो भी मैं करवाऊंगा, वो भी मैं करवाऊंगा। एक्चुअली वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो पहले ब्लड सर्कुलेशन वाला पोर्शन करके और फिर बिल्कुल लास्ट में लिम्फेटिक सिस्टम करवा लूँगा, ठीक है? हाँ, तो अभी आप एक्सक्रीशन में नोट करें, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल from the body of an organism. The process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretion. From the body of an organism is called excretion. अब इसमें next one इसी में दिखेगा, excretion takes place in plants as well as in animals. Excretion takes place in plants as well as, excretion takes place in plants as well as in animals. Excretion takes place in plants as well as in animals. तो हेडिंग डालेंगे excretion in plants, देखेंगे आप सबसे पहले excretion in plants. In plants. इसमें लिखिएगा the main waste products produced by plants are carbon dioxide, water vapor and oxygen. carbon dioxide, water vapor and oxygen. लिखेंगे द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स ब्रैकेट में लिखें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन are removed through the stomata and leaves. Through the
removed through the stomata are removed through the stomata leaves and lenticels with stems. And released to the air. देखिए हमने ये देखा था जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स की बात कर रहे थे, तो क्या था कि सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, इन दोनों चीज़ों की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल. तो ये हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं. जब फूड प्रिपरेशन चल रहा था प्लांट्स का, तो फूड प्रिपरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, सनलाइट उनको एटमॉस्फेयर से मिल जाती है, प्लस वाटर. तो ये जो तीन चीज़ें हैं इनकी हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो फूड प्रिपरेशन के दौरान एक बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जितनी उनको ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, उतना ऑक्सीजन तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, थोड़ा सा ही चाहिए होता है उनको, और बाकी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है. तो एक जो बाई प्रोडक्ट हो गया, मतलब एक जो प्रोडक्ट हो गया जो वो छोड़ देते हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑक्सीजन. और दूसरा ये होता है कि जब वो सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम जो है उनको ऑक्सीजन ही वो लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी वो थोड़ा सा रिलीज करते हैं, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा. क्यों? क्योंकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जब रिलीज करता है ना, तो उसमें से थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड ही वो बाहर छोड़ता है, बाकी ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड वो रोक लेता है, क्योंकि वो उसके फूड प्रिपरेशन में काम आता है. तो वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रोक लेता है, वो फूड प्रिपरेशन के लिए रोकता है, ठीक है. सांस लेने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, सांस लेने के लिए उसको ऑक्सीजन ही चाहिए. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसने जितना फूड प्रिपरेशन की ज़रूरत थी उतना उसने रोक लिया, ठीक है. अब फूड प्रिपरेशन में पूरे प्लांट का फूड प्रिपरेशन है, तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो ज़्यादा रोक लेता है, थोड़ा सा होता है उसको छोड़ देता है, और छोड़ता तो है ना. तो एक ऑक्सीजन उसने छोड़ दिया एटमॉस्फेयर में और एक कार्बन डाइऑक्साइड. फिर क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है. ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस होता है. ये हमने जाइलम बारे में पढ़ा था कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स पर भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है. दैट इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. और वो जो बाहर निकला, तो वो कैसे निकलता है? ऐसा तो नहीं है ना कि पानी कुछ उड़ता हुआ नजर आए, पानी तैर रहा है हवा में, ऐसा तो नहीं है ना. तो वो आपको दिखाई भी नहीं देता. तो क्या है, ये वाटर जो है वो अपनी गैसियस फॉर्म में, यानी कि वाटर वेपर्स निकलते हैं वहाँ से. तो तीन तरीके के गैसियस वेस्ट हैं जो प्लांट के लिए काम के नहीं हैं, तो वो छोड़ देता है आपको एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर. तो ये तीन हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाई प्लांट्स. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए उसके लिए, तो इसका मतलब वो उनको छोड़ देता है. छोड़ने का मतलब क्या, एक्सक्रीट कर देता है इन द एटमॉस्फेयर. तो वही है, द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाई प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. ये तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए. द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस मतलब वही फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स, आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर रिमूव थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स. ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लीव्स के थ्रू, ये कैसे लीव्स के थ्रू, ये स्टोमेटा के थ्रू निकलते हैं, ठीक है. लीव्स में मतलब एक्सक्रीशन कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलते हैं, और स्टेम्स में लेंटिसल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, ठीक है, एंड रिलीज टू द एयर, और बाकी एटमॉस्फेयर में मतलब रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना. तो एक्सक्रीशन जो है वो दो जगह से होता है, लेकिन रूट में से तो एक्सक्रीशन होगा नहीं, क्योंकि रूट तो वैसे ही उसके अंदर है, तो रूट तो डायरेक्ट एक्सपोजर उसका है नहीं एटमॉस्फेयर को. तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोजर किस चीज़ का है, एक तो स्टेम्स का और एक लीव्स का. तो लीव्स के थ्रू किससे निकलता है, स्टोमेटा से निकलती हैं तीनों गैसेस बाहर, और जो स्टेम्स है उसके उसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, लेंटिसल्स, लेंटिसल्स से बाहर निकलता है, ठीक है. इसके बाद आप नोट करेंगे, द प्लांट्स ऑल्सो स्टोर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को प्लांट्स जो है वो स्टोर भी करते हैं. द
plants also stored some of the waste products of their body parts. The plants also store some of the waste products in their body parts. For example, some of the waste products are collected in the leaves. Bark and fruits of the plants. Bark and fruits of the plants. Or trees. Bark and fruits of the plants or trees. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि बॉडी के लिए कुछ बैक्टीरियाज़ की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो वो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं बॉडी की, तो कुछ बैक्टीरियाज बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि नहीं भाई वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो स्टूल हो गया या यूरिन हो गया तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो गंदा है। तो वेस्ट का मतलब हमेशा हम ये नहीं कहते कि हमेशा कोई चीज़ गंदी ही है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में काम आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात करें या अर्थवॉर्म के वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो उससे क्या है कि उससे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बनाने का काम आता है, जिससे जो सॉइल है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो उसी तरीके से जो ये प्लांट्स हैं, हम ये कहें कि प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो हमने तीन वेस्ट प्रोडक्ट देखे भाई, एक तो क्या हो गया, एक तो वाटर वेपर हो गया, दूसरा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा ऑक्सीजन हो गया। ये तीनों ही काम की चीज़ें हैं, ये तीनों ही काम की चीज़ें हैं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि टोटली बेकार की चीज़ है, ये सब कुछ चीज़ ख़राब ही कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक इफेक्ट है वो एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है वो कूलिंग इफेक्ट नहीं है, ऑक्सीजन का बर्निंग सेंसेशन है। ऑक्सीजन जो है हमेशा बर्न ही करता है चीज़ों को, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम होता है वो कूल करने का काम होता है। तो इसीलिए आपने ये देखा भी होगा कि जितना ज़्यादा आप ग्रीन एरिया के आसपास से गुजरते हैं वहाँ थोड़ी आपको ठंडक भी लगती होगी। ठीक, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से आपको कूलिंग लग रही है, उसका रीज़न दूसरा भी है। उसका रीज़न ये भी है कि भाई वहाँ पर जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो लगातार लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन चलता रहेगा, तो एटमॉस्फेयर में लगातार वाटर वेपर जो है वो ट्रांसपायर होते रहेंगे, निकलते रहेंगे, जब निकलेंगे तो थोड़ा आपको ठंडक का एहसास होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो तीन वेस्ट हैं इसके, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों किसी न किसी काम भी आते हैं। तो ये जो तीन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स इसको हमेशा एटमॉस्फेयर में रिलीज ही कर दे, एक्सक्रीट ही कर दे। कई बार क्या होता है कि वो उसको उसकी लीव्स में इकट्ठा करके रखता है, कई बार बार्क में इकट्ठा करके रखता है, और कई बार फ्रूट्स में इकट्ठा करके रखता है। हम जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम नीम ट्री की बात करें तो जो उसकी लीव्स हैं, उसकी लीव्स से नीम ऑयल बनता है, और वो जो नीम ऑयल है वो बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ों में काम आता है। इसी तरह से जो बार्क्स हैं, तो कई जो प्लांट्स हैं उनके जो बार्क्स हैं उनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन बनती हैं इनफैक्ट, तो वो जो मेडिसिन हैं वो भी बॉडी के काम ही आती हैं।
और इसी तरह से जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स तो आपको पता ही है, फ्रूट्स तो हम खाते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत चीज़ों में काम आते हैं। तो ये क्या है, इसमें आप ये लिखेंगे कि फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट तो फिर स्टोर होकर ही रहेंगे, ये बाहर कैसे निकलेंगे बताते हैं, नेक्स्ट टाइम लिखिएगा कि वो ये जो तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको जब प्लांट्स कभी कभी अपने लीव्स में, बार्क्स में या फ्रूट्स में इकट्ठा कर देता है तो होता क्या है, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं होती। क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कब रिलीज होती है, जब कार्बन जो होता है ना, कार्बन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की वजह से। अच्छा, कार्बन का अगर पार्शल ऑक्सीडेशन हो, तो पार्शल ऑक्सीडेशन मतलब कम्प्लीटली वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, तो वो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग में मेन कंट्रीब्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड का है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ रहे हैं, आप कभी भी ये देखिएगा कि अगर आप एक ऐसी जगह पर इकट्ठे हो जाएँ जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारे लोग हैं, तो ह्यूमन बींग्स का तो क्लियर है ना कि वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे जब वो रेस्पायर करेंगे। तो एक चीज़ तो ये हो गई, वहाँ पर आप सांस ले पाएंगे कंपेरेटिवली इजीली। मुश्किल होगा वहाँ पर भी, क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत भीड़ हो गई है, बहुत दम घुट रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर फिर प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। वेंटिलेशन इज़ वॉट, वेंटिलेशन यही है कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले तो आप वहाँ पर सांस ले पाएंगे। लेकिन हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं ना, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल और ये ऑक्टेन वैल्यू वाला भी एक जो है गैसोलीन बोलते हैं उसको, तो जो जनरली एरोप्लेन्स में, रॉकेट्स में, इन सब में यूज़ होता है, गैसोलीन बोलते हैं उसको। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब इनका पार्शल ऑक्सीडेशन होता है, इनका कम्प्लीट ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता, तो वो कम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता तो क्या होता है कि कुछ अनबर्न्ड फ्यूल भी हमेशा आपका जो व्हीकुलर एमिशन होते हैं, यानी कि व्हीकल में से निकलने वाला जो धुआं होता है, उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है वहाँ से। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो पॉल्यूशन का मेन कारण है, वो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और आप ये देखेंगे कि अगर 50, 60, 100 लोग भी हैं तो आप वहाँ कंपेरेटिवली सांस ले सकते हो, लेकिन अगर 10 या 12 व्हीकल्स खड़े हुए हैं और वो लगातार वो एमिशन कर रहे हैं, हार्मफुल एमिशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ दम घुटने लगता है। तो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो नोट करें, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट बाई प्रॉपर कंबस्शन हो जाता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो हम ये कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और आप कभी भी देखेंगे, जैसे आप जहाँ जैसे सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो सोसाइटीज़ में ज़्यादातर या तो ये दे रखा है कि भाई हर एक फ्लोर पर या तो वाटर हाइड्रेंट दे रखा है कि अगर कभी आग लग जाए तो आप उसका कांच तोड़ दो और वहाँ से वो पाइप निकाल लो और उसको आप ऑन कर दो आग बुझाने के लिए। और अगर फ्लोर्स छोटे छोटे हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हर फ्लोर पर एक एक सिलेंडर दे रखा है, तो आप उस सिलेंडर का मेन कंटेंट देख लेना, उसके अंदर मेन कंटेंट ही कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर बनता ही कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर, क्यों, उसका काम ही ठंडा करने का होता है, उसमें से आप निकालेंगे गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी सीधा। द प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क, of leaves, comma, peeling of bark and falling of fruits तो पत्तियां जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो झड़ जाती हैं, बार्क जो है वो जब पक जाते हैं
और फ्रूट्स जो हैं वो जब गिर जाते हैं, वो गिरते भी कम है जब वो पक जाते हैं, मतलब कंप्लीट उनका जब उनके अंदर जितना वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स के लिए हैं लेकिन बाकी लोगों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए वो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जब कम्प्लीट, मतलब अपना कम्प्लीट स्टेज पर पहुँच जाती है, कम्प्लीट हो जाता है कि इससे ज़्यादा उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं आ सकता फ्रूट के अंदर, उसी चीज़ को हम ये बोलते हैं कि ये जो फ्रूट है ये पक गया है, ये राइप हो चुका है, तो वो फिर वो गिर जाता है वहाँ से। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे, सम ऑफ द प्लांट वेस्ट गेट स्टोर्ड in the fruits of the plant. क्लास 10 से 11 में उससे आगे 16 वाली देख लेंगे जो भी टाइम रहेगा 16 का, और 18 को मंडे पड़ रहा है तो 18 का हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 18 का ऑफ रखें और जो क्लास है वो 17 का यानी कि संडे को रख लेंगे। ठीक है ना, इस तरह से कर लेंगे, जैसे अभी कल मंडे था तो कल का ऑफ रखा ही इस वजह से था कि वो संडे को मैंने क्लास ले ली। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 की और 16 की, बस ये दो दिन की दिक्कत है, उसके बाद आपका यही रेगुलर टाइम रहेगा 3:30 से 4:30। चलिए, ओके ओके।